नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साहिल केरने। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। पीडीपी से किनारा कर पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए पूर्व एमएलसी सुरेंद्र चौधरी ने आज एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि आखिर क्यों नौशहरा में उनका इतना दबदबा और रसूख है। भाजपा में शामिल होने के बाद आज पहली बार पार्टी की प्रदेश इकाई के दिग्गज नेताओं के साथ नौशहरा पहुंचे सुरेंद्र चौधरी के समर्थकों ने आज उनका और उनकी पार्टी के सहयोगियों का भव्य स्वागत किया। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने वहां भव्य शक्ति प्रदर्शन किया, जिससे विरोधी दलों के भी पसीने छूट गए। सांसद जुगल किशोर, पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना और पार्टी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह राणा भी इस मौके पर मौजूद थे। लेकिन आज कोई लंबी जोड़ी दम रखने की वजह नहीं है, लेकिन एक चीज मैं कहूंगा मेरे बुजुर्गों, मेरे वीरों, मैं जदों 2012 च पहला इलेक्शन इस इलाके च लड़िया, हर कोई कहना सी कि सुरिंदर चौधरी किन्ना वोट लै जाएगा, सिर्फ 3000 लेगा, 3 तो उपर नहीं लेगा। तो जो मैं 12,500 वोट लिया और दुए नंबर पर लेता और कांग्रेस त्रीए नंबर वस्कार बैठे था, तो लोग हैरान हो गए सन कि सुरिंदर चौधरी ने वर्तना का कमाल है। मेरे बुजुर्गों, मेरे वीरों, 2014 च इलेक्शन होया, मेरे भाई, मेरे भरा दविंदर सिंह राणा जी ने कहा, अब दरिया ने पुठे रस्ते पर साड़ा मुकाबला डायरेक्ट पीडीपी, उदो पीडीपी सा, क्योंकि मैं अच्छा पीडीपी का नाम लेना छोड़ बैठा, पर जरा छड़िया ग्राम का की लेना ना। जम्मू कश्मीर में साक्षरता दर बढ़ाने के सरकार के दावों की पोल खुल चुकी है। इस बार सरकार के दावों की पोल खोली है डोडा जिले के दूरदराज के इलाके मल्लन देसा के लोगों ने। इन लोगों की माने तो उनके इलाके में स्थित गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में 560 बच्चों ने दाखिला लिया है, जिन्हें पढ़ाने के लिए मात्र 2 टीचरों को वहां तैनात किया गया है। आज डोडा में इन लोगों ने डीसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को बार बार अवगत करवाने के बावजूद भी उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। स्कूल में स्टाफ की कमी से उनके बच्चों का भविष्य दांव पर लग गया है, लिहाजा स्कूल में पर्याप्त स्टाफ की तैनाती जल्द से जल्द की जानी चाहिए। मैं जनाब, इससे पहले हम सीओ डोडा के पास भी गए, डीसी डोडा के पास भी गए, हमें कोई उम्मीद है, जब उन्होंने 3 या 4 दिन का हमें टाइम दिया था, आज 4 दिन का और का 10 दिन हो गए, आज तक हमारे पास कोई भी स्टाफ नहीं पहुंचा जनाब। आज अभी तक हमारे बच्चों की एडमिशन तक नहीं हुई है, अभी तक हमारे बच्चों ने स्कूल तक नजर नहीं मारी। हम सर क्या उम्मीदें लेकर ये बोलेंगे सरकार को कि हमें क्या मिल रहा है। हमें जनाब बाकी चीज़ें इस वक्त अगर हम बाकी चीज़ें गिननी शुरू हो जाएंगे, हमारा एक देसा बंजर बन चुका है, मगर उस चीज़ पर हम अभी जाना नहीं चाहते। मैं आपके सामने वोट पर बेटी बचाओ का वोट, यही बेटी बचाओ मैं एक सरकार से पूछना चाहता हूं, यही नारे हैं सरकार के कि हम बेटी बचाओ की बात करें, जहां 560 बच्चे हैं और आज तक अभी बच्चों ने हमारा स्कूल नहीं देखा, एडमिशन ही नहीं हुई, यही बेटी बचाओ मैं कहना चाहता हूं जनाब। आईआरपी के समर्पित अधिकारियों और जवानों को विशिष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया है। कठुआ स्थित आईआरपी 19वीं बटालियन मुख्यालय में आयोजित पुरस्कार समारोह के दौरान एसएसपी रामतोष कमांडेंट सहित अन्य अधिकारियों ने इन अधिकारियों और जवानों को सम्मान देकर उनकी सेवाओं की सराहना की और नगद पुरस्कार के साथ साथ प्रशस्ति पत्र भी सौंपे। इस दौरान विभिन्न मोर्चों पर अनुकरणीय सेवाएं प्रदान करने वाले 310 अधिकारियों और जवानों को समर्पण के साथ सरकारी कर्तव्यों का पालन करने के लिए ये सम्मान दिया गया। आपने विपरीत परिस्थितियों में भी काम अपना सही तरीके से करना है, प्रोफेशनल ढंग से करना है, जैसा पुलिस का होता है काम वैसा करना है। पुलिस की सेवाएं उतनी आसान नहीं है और पुलिस वाले को तैयार करना भी इतना आसान नहीं है, पुलिस वाले को बनाने के लिए तराशना पड़ता है और बड़ी मेहनत लगती है, बड़ी मुश्किलात होती है और उसके जो सुपरवाइजरी ऑफिसर्स होते हैं जिनकी कमांड में पुलिस वाला काम करता है, उसकी भी बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि वह किसी भी प्रकार की विद्या, तो इसलिए यहाँ पर पुलिस में आकर के बड़ी खुशी के साथ सेवाएं देनी है और बड़े भाग्यशाली होते हैं वे लोग जो पुलिस में आकर पुलिस के माध्यम से अपनी प्रगति करते हैं, अपने आप को देश सेवा में लगाते हैं, लोक कल्याण में लगाते हैं और दुनिया का भला करते हैं।
कठुआ की पंचायत कोट पुन्नू में सरकारी जमीनों पर हुए अवैध कब्जे के मामले को लेकर स्थानीय सरपंच की अगुवाई में लोगों ने आज डीसी से मुलाकात कर इस कब्जे को हटाने की मांग की। सरपंच की माने तो कब्जा करने वाले पंचायत के अन्य लोगों को धमकाने से भी बाज नहीं आते हैं और इनके खिलाफ पहले से ही कई बार कोट पुन्नू चौकी और राजबाग पुलिस स्टेशन में शिकायतें की जा चुकी हैं। ये लोग जब से यहाँ पे आए हुए हैं, जो हमारे छोटे गुज्जर कम्युनिटी के लोग हैं, जो गरीब गुज्जर थे, इन्होंने उनका भी जीना जो है वो मुश्किल कर दिया है। ना तो उनको ये चारा खरीदने देते हैं, ना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कुछ भी हो जिसमें आप प्राली कह सकते हैं, दूड़ी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, वो ना तो छोटे गुजरों को ये लोग खरीदने देते हैं और ना हमें बेचने देते हैं। पहले इन्होंने स्टार्टिंग में हमारे लोगों के साथ ऐसे थ्रेटनिंग करना शुरू की उनको कि आप लोग किसी दूसरे को बेचोगे तो हम इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। पिछले 5 साल से रेगुलर पुलिस पोस्ट कोट पुन्नू और राजबाग थाना के अंदर इनके खिलाफ कई एप्लीकेशन जो हैं वो गुज्जर समुदाय के द्वारा भी दी गई हैं और हमारे द्वारा भी दी गई हैं। डिपार्टमेंट उस जमीन के ऊपर कोई कार्रवाई करे, लीगल एक्शन ले और डीसी साहब ने उसकी एविक्शन के लिए तहसीलदार हीरानगर को ऑर्डर किया है कि उस जमीन को एविक्ट करवाया जाए और खाली करवा के वहां पर गाँव वासियों को वो जमीन दी जाए। भाजपा संगठन महामंत्री अशोक कोल ने आज जम्मू के त्रिकुटा नगर में स्थित वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया। संगठन महामंत्री ने इस मौके पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से वैक्सीनेशन को लेकर एक ड्राइव शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य वैक्सीनेशन सेंटर के साथ साथ स्कूलों में जाकर 12 से 14 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक किया जाएगा, ताकि कोई भी बच्चा बिना वैक्सीनेशन के ना रह पाए। इसके साथ ही अशोक कोल ने वैक्सीनेशन कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों की भी सराहना की। हैं कि 21 जून 2021 से हमारे देश में वैक्सीनेशन की एक बहुत बड़ी ड्राइव चली है, जो आज की डेट में तकरीबन 180 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन के लग गई है। ये बहुत बड़ी बात है। 12 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को भी और 14 से लेकर 18 साल के बच्चों को पहले ही लगी थी, अभी 12 से 14 साल के बच्चों को ये लग रही है। उसी निमित्त हम लोग भी, भारतीय जनता पार्टी ने भी एक ड्राइव ली है आज के दिन के हम सभी वैक्सीनेशन सेंटर्स में जाकर बच्चों को भी अवेयर करेंगे कि वो स्कूलों में भी जाएंगे। हमारे युवा मोर्चा के लोग स्कूलों में जा रहे हैं और बच्चों को अवेयर कर रहे हैं 12 से 14 साल के बच्चों को वैक्सीन करें। और जिन हमारे कर्मचारियों ने, जिन हमारे डॉक्टर्स ने इतना बड़ा काम किया है, उनको भी आज के दिन हम बधाई दे रहे हैं कि इतना बड़ा जो अचीव करना था टारगेट, उस टारगेट को हमारे डॉक्टरों के कारण ही अचीव हुआ है, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ के कारण ही अचीव हुआ है। उनको भी आज शुभकामनाएं, उनको भी बधाई देना, उनको भी कॉन्ग्रेचुलेट करना कि आपके अथक परिश्रम से, आपके अथक मेहनत से हम इस मिशन में कामयाब हुए हैं। महंगाई के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के महिला विंग ने जम्मू में आज प्रदर्शन किया। महिला विंग की संभागीय उपप्रधान रूपाली रानी की अगुवाई में महिलाओं ने पार्टी के जम्मू कार्यालय से एक रैली निकाली और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। अपनी पार्टी ने आरोप लगाया कि सरकार अब महिलाओं को भी सड़कों पर उतरने को मजबूर कर रही है और अगर महंगाई पर अंकुश न लगाया गया तो वो इस आंदोलन को और गति देने पर मजबूर हो जाएंगी। मैं आज मजबूर होकर, मेरी महिलाओं घर से बाहर निकली, आज मजबूर होकर बाहर निकली हैं कि इतनी महंगाई की वजह से आज बाहर निकली हैं, क्योंकि किचन में महिला नहीं देखना पड़ता है। सिलेंडर के दाम देखो अब इतने महंगे हो गए हैं, सब्जियों के दाम देखो इतने महंगे हो गए, पेट्रोल के दाम देखो इतने महंगे हो गए हैं। जम्मू की जनता बहुत परेशान है, कोई भी रोड पे आना नहीं चाहता है। आज ऐसा टाइम आ गया है कि जम्मू की लेडीज बाहर आ रही है, बच्चियां बाहर आ रही है, क्योंकि ये आज हमारा एक छोटा सा प्रोटेस्ट है, क्योंकि अगर हमारी डिमांडें पूरी नहीं करेंगे हम हर जगह में रोड बना करेंगे। मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर आंगनवाड़ी वर्करों ने जम्मू में आज एक बार फिर प्रदर्शन किया। भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले प्रदर्शन करते हुए आंगनवाड़ी वर्करों ने उन्हें दिए जाने वाले मानदेय में जम्मू कश्मीर की भागीदारी बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि ये भागीदारी न बढ़ने से उनके मानदेय में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है और जो मानदेय उन्हें दिया जा रहा है वो ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है। ये धरना प्रदर्शन हमने यहाँ रखा है, ये इसलिए है कि हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो नहीं जाग रही है, क्योंकि हमने
10 बार प्रोग्राम किए हैं अपने एलजी साहब को थ्रू मेमोरेंडम के और थ्रू प्रेस के। हमने ये बताया उनको कि हमारा जो स्टेट का शेयर है वो 600 रुपया है और ये बहुत कम है, और आज की महंगाई के दौर में हम 600 रुपए से कैसे घर का गुजारा चला सकेंगे। और हमारा एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा जल्द से जल्द जो स्टेट शेयर है वो बढ़ाया जाए, नहीं तो हम इससे भी उग्र प्रदर्शन करने जा रहे हैं। और हमारे जो बीजेपी के लीडर हैं यहाँ पे एमपी एमएलएज हैं, उनको भी हम ये अपील करते हैं उनके आगे भी कि हमारा जो स्टेट का शेयर है उसको बढ़ाए ताकि हम जो अपनी खुशहाल जिंदगी जी सके। जम्मू में अपना जनाधार तेजी से साथ बढ़ा रही भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आज और इजाफा हुआ है। भाजपा ने आज बेली चराना इलाके में एक कार्यक्रम का आयोजन कर गुज्जर समाज के कई लोगों को अपने साथ जोड़ा, जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी का साथ देने का भरोसा दिया। इस कार्यक्रम का आयोजन भाजपा के वरिष्ठ नेता युधवीर सेठी की अध्यक्षता में किया गया था। आज इन्होंने विश्वास हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिन्हें 70 साल गुजरात का उत्थान करा दिए, जिया सैस्ती दिया 9 सीटा दीतिया, जिया इतने फॉरेस्ट एक्ट लागू किया गया। ये लोग उन समझते ने कि इन्हों वोट बैंक की राजनीति वास्ते 70 साल तक यूज करने वाली पार्टियां अज उन्होंने फुल अपना आखिरी इन्होंने मोर लगा दी है। अगली मोर है उन भारतीय जनता पार्टी नू लगा के ए भारतीय जनता पार्टी नू मजबूत करके हुण ए अपने गुज्जर बरादरी नू अगे लैके जाना चाहते ने। और जिस जोश दे नाल अज इन्होंने साडा स्वागत किया उसी जोश नाल भारतीय जनता पार्टी ए गुज्जर समाज का जम्मू कश्मीरी स्वागत करके 9 सीटा ते इन्हां नू लड़ा के इन्हां दी कौम नू अगे लेके जांदा जो वचन निंदर भाई मोदी ने 2014 ही रैली दिता सी असी पूरा करके जाए करने आ। जम्मू नगर निगम के निर्दलीय व कांग्रेस पार्षद निगम के कामकाज से खुश नजर नहीं आ रहे हैं। पार्षद द्वारका चौधरी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनरल हाउस की बैठक ना बुलाए जाने और विभिन्न वार्डों के विकास कार्यों से संबंधित कुछ मुद्दे उठाते हुए निगम पर निशाना साधा। इन तमाम मुद्दों पर क्या कहना था उनका आइए देखते हैं। एक तो जनरल हाउस की मीटिंग जहां पे हो नहीं रही, हमारे एक्ट के मुताबिक उसको हर महीने में करना चाहिए, लेकिन उन्होंने पिछले 5 महीने से दोबारा नहीं करी। बहुत से मुद्दे हैं जो हमने वहां पे डिस्कस करने हैं। हमारी आज लाइटें जो हैं, स्ट्रीट लाइटों का मसला है, हमारे पीएचई का मसला है, वहां पे इन्होंने 10-10 लाख रुपए के कामों के लिए बोला, आज तक कुछ भी नहीं किया, ना तो उसके टेंडर लगे ना कोई उसकी पाइपें डाली। तो मैं कहता हूँ कि पीएचई डिपार्टमेंट जीएमसी में देने का मतलब क्या था? अगर गवर्नमेंट ने दिया है तो उसके साथ फंड्स क्यों नहीं दिए? इन्होंने बोला था वो भी अभी तक कुछ नहीं। जो बाकी चीजें हो रही हैं, कई जगह कंट्रैक्टरों ने पिछले दिनों ब्लैक टॉपिंग डाली थी वो उखड़ चुकी है। जहां वो बात करो जी उसकी गारंटी है, कब गारंटी है भाई? अगर आज हम 6 महीने का बोल रहे हैं कि लुक वो उखड़ गई है तो उसको ठीक करवाओ। जो ठेकेदार वहां के हैं उनकी आप पेमेंट कर देते हो, क्यों करते हो? क्या लालच है आपको? पहले उसका 1 साल देख लो। मैं कहूंगा कि जल्दी से जल्दी उन चीजों को ठीक करवाना चाहिए। और स्ट्रीट लाइटों का मसला भी है, जो पुराने मसले हैं, हाउस नंबरिंग है, जम्मू के अंदर कहीं नहीं लगाई, हमेशा पहले दिन की हम बात कर रहे हैं और वो कहते हैं नहीं जी वो अभी सेंट्रल की तरफ से आ रहा है, अभी एक नई एजेंसी आएगी वो हाउस नंबरिंग करेगी, कुछ नहीं हुआ। तो बहुत से मुद्दे हैं जो हमने हाउस में डिस्कस अभी करने थे, लेकिन उन्होंने मीटिंग निकाल के साथ 5-5-6-6 महीने मीटिंग नहीं करते, जिसकी वजह से काम सफल होते हैं। देश की आंतरिक सुरक्षा का दायित्व बखूबी निभाने वाली सीआरपीएफ समाज के प्रति अपने फर्ज को भी बखूबी अंजाम दे रही है। इसी कड़ी में आज सीआरपीएफ की 160वीं बटालियन ने जम्मू के भौर कैंप इलाके में मेडिकल कैंप लगाकर कई लोगों को सुविधा पहुंचाई। वहीं टंगमर के कुंजर इलाके में सीआरपीएफ की 176वीं बटालियन ने एक ऐसे ही कैंप का आयोजन किया था जिसका कई लोगों ने लाभ उठाया। फ्री मेडिकल कैंप ये भारत सरकार की योजना है, हर वर्ष हम लगाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि सभी को स्वस्थ रखना, जो जरूरतमंद लोग हैं उन तक जो है मेडिसिन पहुंचे, उनको फ्री मेडिकल कैंप इसलिए हर साल लगाते हैं। इस मेडिकल कैंप में वारीपुरा,
और बरजुला और पिंजोरा विलेजेस के जितने भी वाशिंदे हैं इनको यहाँ पे बुला के मेडिकल फैसिलिटीज, जैसे इनका कंसल्टेशन के बाद में इनको मेडिसिन और आगे के फ्यूचर के लिए कोई अगर मेडिकल हेल्प लगती है तो इसके बारे में यहाँ पे इनको हेल्प दी जा रही है। ये फर्स्ट कैंप है इस ईयर का और इसके बाद में यहाँ पर एक और कैंप होगा, कुंजर में होगा, तनमर्ग में होगा और लास्ट कैंप हमारा बाबा ऋषि में होगा। आप जैसे देख रहे हैं इसमें बुजुर्ग, महिला, पुरुष, बच्चे, लेडीज सारे आ रहे हैं और सभी यहां का इस मेडिकल कैंप का फायदा उठा रहे हैं। भिंडर पुलिस ने नशे के तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों ही तस्करों से 1 किलो से ज्यादा चरस और 12 बोतलें अवैध शराब की बरामद की गई है। आरोपियों की पहचान मोहम्मद इलियास निवासी अड़ी और महेश चंद्र निवासी गोलाड़ मेंढर के रूप में की गई है। इन दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जम्मू नगर निगम जल्द ही उन वार्डों को सम्मानित करने जा रहा है जहां स्वच्छता के लिहाज से बेहद उम्दा काम किया जा रहा है। ऐसे वार्डों की निशानदेही के लिए निगम की ओर से कमेटी का गठन किया गया है जो जल्द ही अपना काम शुरू करने वाली है। जम्मू के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह जानकारी दी। वार्डों में हमारे जो सैनिटेशन के 3 जोन हैं, 3 जोनों के अंदर हमने पूरे 2 कमेटीज बनाई हैं। एक कमेटी हमने बनाई है लोअर लेवल की जो 25-25 वार्ड पर निरीक्षण करेगी, कौन से 5-5 वार्ड टॉप 5 आते हैं 25 में से वो कमेटी रिजल्ट देगी, जो दूसरी कमेटी हमारी होगी उसको, वो दूसरी कमेटी उन 5 में से 3-3 वार्ड जो होंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड उनकी घोषणा करके वो हमें रिपोर्ट देगी। उसके बाद जिस तरह पूरे हमारे 3 जोन हैं, 3 तो 9 जो हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे हर जोन वाइज उनको हम सम्मानित भी करेंगे, उनके जो कॉर्पोरेटर्स होंगे या वहां का सैनिटेशन स्टाफ होगा और उसमें लोगों का भी सहयोग, एक अच्छा मैसेज आएगा जिस जोन में जो वार्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा लोग उसको देखेंगे जाके भाई इसमें क्या खास चीज है, ये कैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड आया है, इसमें क्या रोल है, लोगों का क्या रोल है, ऑनरेबल कॉर्पोरेटर का क्या रोल है, समाज का क्या रोल है, ये सारा करके जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने ये हमें कहा था। जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।